बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो लूसन के हवाले से, जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मेरे पास लूसन है और लूसन के फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है कि उसमें जो है आपके बर्ड्स को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बर्ड जब एग ले करता है तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो नेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें बर्ड्स की ज़रूरत होती है। और एक लूसन जो है आपको 5 रुपये के अंदर एक ऐसा टोटका है, ऐसा टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको कि इन 5 रुपये के अंदर आपके जो है बर्ड्स के सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे लोग सीनियम वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जैसे अनफर्टिलिटी का इशू आता है, जो फर्स्ट टाइम बर्ड्स एग ले कर रहे होते हैं तो उसमें अनफर्टाइल एग आते हैं, तो उसके लिए बड़ा वो होता है, अनफर्टाइल एग होते हैं, तो इस वजह से क्या नाम है, आप सिलीनियम और दूसरी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये देंगे तो आपका बर्ड्स का अनफर्टिलिटी का जो इशू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें प्रोटीन बहुत है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर ये जो है इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, और आपका जो मेन जो है ना लव बर्ड के हवाले से जो अनफर्टाइल का इशू होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और लूसन ये सिर्फ 5 रुपये के पैसे कम है, लेकिन चीज़ जो है ये हज़ारों लाखों से ज़्यादा की है। तो मेरे भाई आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको देना है, और ज़्यादा नहीं देना है लेकिन देना रोज़ाना है, थोड़ा देना है, और आपका बर्ड्स आप देखिएगा, जब बच्चे आएंगे तो बच्चों को ये भराएंगे, ये इसी से खाएंगे और फिर भराएंगे। नेस्टिंग इससे बहुत ज़बरदस्त करते हैं, अंदर ले जाएंगी, फ़ीमेल अंदर ही खाती रहती है, इसकी डंडियाँ चूसती रहती हैं और बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है नेस्टिंग के अंदर, बाद में देखेंगे तो आप। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इंशाल्लाह आप ये दें, इजीली आपको जहाँ पे चारे वगैरह की दुकान होती है वहाँ से ये मिल जाती है। लूसन सुबह में लें, ताज़ी आती है, और इसको धो के देंगे। तो मैं इंशाल्लाह जब ये अभी दूंगा आपको, देते हुए भी दिखाऊंगा और धो के देंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से धोना है, और क्योंकि इस पर स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, मिट्टी होती है और इस वजह से आपको बैक्टीरिया का ख़तरा होता है, तो हम धोएंगे और धो के भी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। इसके मैंने आपको फ़वाद बता दिए कि क्या क्या इसके फ़वाद हैं, कि आपका अनफर्टाइल का इशू ख़त्म होता है, आपका क्या नाम है, इसमें मैग्नीशियम बहुत है, पोटेशियम बहुत है, इसके अंदर जो बेहतरीन सोर्स जो है ना वो आपको, जैसे आप कैनरी सीड डालते हैं प्रोटीन के लिए, इसमें प्रोटीन बहुत है, तो आपका ये मसला भी हल हो जाता है, बच्चे आपके बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस पर बनेंगे। तो इंशाल्लाह इसको देंगे, दे के भी दिखाएंगे आपको, फिर दिखाएंगे आपको बर्ड्स किस तरीके से इंजॉय करेगा, इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इसको किस तरीके से देना है, वो भी हम आपको जब देंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसके मैंने सारे फ़वाद आपको बताए, ये आप दें, इंशाल्लाह आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम जो हैं आ गए हैं, और हम ये लूसन लेकर आए हैं, हमने एक टब लिया है, इस टब के अंदर जो है हम इसको धोएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें केमिकल मिट्टी वगैरह कितनी होती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट बर्ड्स को नहीं देना है, तो बैक्टीरिया का ख़तरा होता है। तो हम इसको पहले वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद जो है हम इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद देंगे। तो बिना वक्त जाए किए आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी भरा है। आप देखेंगे धुल रहा है, तो इसका रंग पानी का जो है वो चेंज होता जा रहा है।
दो से तीन दफ़ा पानी निकालेंगे तो ये बिल्कुल जो है केमिकल जो इसके स्प्रे वगैरह होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना सुबह सुबह के टाइम पे लेके जाए, अभी जैसे सुबह के तकरीबन 8 बज रहा है तो सुबह सुबह हम लेके आते हैं और सुबह ये बिल्कुल ताज़ी आती है, तो आप ये सुबह में दें और सुबह में इसको धो के देंगे तो इसके फ़वाद ही अलग होंगे। जब सुबह बर्ड भूखा होगा तो पेट की रीन जो है ना उसको भूख लग रही होगी तो उसके जब वो खाएगा तो उसको लगेगा भी। तो ये देखें नाजिम ये पानी कितना गंदा हो गया, इसी तरह हम दो से तीन दफ़ा निकालेंगे ये पानी को, तो उसके बाद हम ये बर्ड को देंगे। तो नाजिम जी अब हमारी जो लूसन है वो सूख चुकी है और हम देंगे बर्ड को, और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम देंगे एक पेयर को। अगर जैसे ब्रीडिंग कर रहा है जिसके लिए बॉक्स लगा दिया तो हमने उसको 3 से 4 जो है ये देंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं ये मैंने इसमें डाल दिया, आप ये देखिएगा इससे नेस्टिंग भी करेगा और खाएगा भी। ये छोटा कर दें ताकि ज़्यादा ठंडियाँ हो जाए तो ये नेस्टिंग वगैरह में ले जाते हैं। अल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम एक एक करके सब में देंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन देखें हमने अब सबको डाल दिया है और जो है अब सब बर्ड्स इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें आपको दिखाया, जावा भी हमारी इंजॉय कर रही है लूसन से और बहुत ही शौक़ से खाते हैं लूसन। सबको दिखाएंगे, देखें ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ये दिखाएँ कि आपको ये नेस्टिंग में भी लेके जाते हैं। हमने इनको डंडियाँ दे दी हैं, लब्बट को ज़्यादा आप डंडियाँ दे दें तो लब्बट जो है वो नेस्टिंग में भी ले जाते हैं। अब आपको दिखाएं कि बर्ड्स किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो अब ऐसे हर तरीके से फिंचेज हो गई, जावा हो गई, माशाल्लाह ये बेहतरीन गज़ा इनकी और सस्ती तरीन है। तो आप भी अपने बर्ड्स को यूज़ कराएँ तो और दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं, ये भी हमारी एक छोटी सी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक किया सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।